वेलकम टू SB रसोई। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत में खाने वाले मखाना और मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मखाना लिया है। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है। कढ़ाई को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, कढ़ाई को हमें लो फ्लेम पर ही गर्म कर लेना है। जब कढ़ाई लो फ्लेम पर गर्म हो जाएगा तब हम उसमें एक कटोरी मखाना डाल देंगे। और मखाना डालने के बाद हमें मखाने को 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही भुनना है, ताकि मखाने के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर उड़ जाए और मखाना ऊपर से जले भी ना और मखाना क्रिस्पी हो जाए। तो जब मखाना भुन जाएगा तो उसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप के करीब मूंगफली। अब हमें मूंगफली को भी लो फ्लेम पर भुन लेना है, ताकि मूंगफली और मखाना दोनों क्रंची हो जाए। तो मूंगफली को भी हमें ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भुन लेना है। याद रखें, आप गैस का फ्लेम हाई ना करें। अगर हम हाई फ्लेम पर मखाना और मूंगफली को भुनेंगे तो वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें मखाना और मूंगफली को लो फ्लेम पर ही भुनना है, ताकि मखाना और मूंगफली अच्छे से क्रंची हो जाए। यहाँ पर मैंने घी या तेल का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे घी या रिफाइंड ऑयल में भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है, इसलिए मैंने घी या रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं किया है। इसे मैंने सूखा ही भुना है। याद रखें कि हमें पूरा प्रोसेस जो है वो लो फ्लेम पर ही करना है। तो ये देखिए, मखाना और मूंगफली को भूनते हुए 7 से 8 मिनट तक हो गए हैं और मैंने इसे लो फ्लेम पर ही भुना है। चलिए अब मैं इसे बीच में चेक कर लेती हूँ कि मखाना क्रंची हुआ है कि नहीं। तो हम इसे बीच में दबा के देखेंगे। अगर ये क्रंची हो गया है तो मखाना जो है वो बिल्कुल बीच से क्रंची जैसा टूट जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चीनी। यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करना है, जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम आपको लो फ्लेम पर ही रखना है। तो ये देखिए, हमें इसे लगातार चलाना है जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। चीनी मेल्ट होने के बाद ये मखानों से अच्छी तरह से लिपट जाएगा। तो चलिए अब गैस का फ्लेम लो बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद भी हम इसे 1 मिनट तक के लिए मिला लेते हैं, ताकि चीनी जो है वो मखाना और मूंगफली के साथ अच्छे से लिपट जाए। तो ये देखिए, व्रत में खाने के लिए मखाना और मूंगफली भूनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।